そうだね。बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सिफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। सूरह रहमान की आयत है, फ़ैयालो रब्बिकुम अदुकज़बान दैट व्हिच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, ताकि अल्लाह करे हमारे इसमें बरकत आ जाए। एक सिर्फ सवाल है पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कौन किसने ज्वाइन किया है हमें, काइंडली प्लीज़ बताया जिसने भी अभी ज्वाइन किया हमें, हम नजर रख सके यहाँ पे कि और अनाउंस ना आए। काइंडली प्लीज मेंशन करें जिसने भी ज्वाइन किया है। ओके हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी, वेलकम। आज के दिन में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस को, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, हाउ टू रैंक फेसबुक पेजेस। हमारे तीन चीज़ें आज, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है मगर आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ज़्यादा। वजह इंपॉर्टेंट होने की ये है कि आज हमने सबसे की थिंग्स डिस्कस करनी है, डैट इज कंपेटिटर एनालिसिस, जिसको हम पहले भी पिछले लेक्चर के अलावा हमने दो पिछले लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया है। वो बेसिकली बेस बनानी थी आज के लेक्चर के लिए, कंपेटिटर एनालिसिस के। स्टार्ट लेंगे, पहले हम यूट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे हम और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि जनाब हम यूट्यूब SEO में कि हम यूट्यूब वीडियोज़ को क्यों रैंक करें, कोई बताना चाहेगा कि हम YouTube की वीडियोस को क्यों रैंक, आई मीन YouTube की वीडियोस को हम क्यों रैंक करें, क्या फ़ायदा है रैंक करने का ट्रैफिक के लिए, आई मीन के साइट को क्यों ना रैंक करें, वीडियो को रैंक करें क्यों, मतलब व्हाट्स द गेम प्लान। एक है जी ट्रैफिक इंटरलिंक हो, दूसरा है ये जल्दी रैंक हो जाती है, और कोई इसके अलावा अपने ओपिनियन देना चाहे। अथॉरिटी भी होती है गूगल की नज़र में, ठीक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम स्लाइड बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करते हैं। एक तो जनाब फ़ायदा है ट्रैफिक, दूसरा बोला इंटरलिंकिंग, ठीक हो गया, जल्दी रैंक हो जाती है, अथॉरिटी भी है गूगल की नज़र में, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आई गेस इज द थर्ड और सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑन द अर्थ, जो YouTube है ना, लेट मी चेक, अभी हम इसके डेटा निकाल लेते हैं। आई थिंक सो के इट्स अ प्रोबेबली द फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट तो नहीं है, सेकेंड या थर्ड पे आई है, सेकेंड नंबर। ओके, सो इज द सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट।
Aren't people too lazy to read the article, and they feel videos are better way? अच्छा, ऐसा नहीं आपने फील किया कि आर्टिकल पढ़ना या वीडियो देखना में से आर्टिकल पढ़ना मुश्किल है और वीडियो देखना आसान है? लेट से एक आईफोन का रिव्यू है, आपने आर्टिकल के फॉर्म में लिखा हो और एक वीडियो बनाई हो, कंज्यूमर के लिए एज ए विजिटर के लिए ज़्यादा आसान क्या है, आर्टिकल पढ़ना है या वीडियो पढ़ना है? वीडियो ठीक हो गया सर, पाकिस्तानियों के लिए आर्टिकल है और अच्छा वीडियो। वैसे वैसे जमान में टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं एक बात बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में पढ़ने का इतना ट्रेंड है ही नहीं। सही बात आपको तो पढ़ने का ट्रेंड है ही नहीं, मैं ये बात बहुत जगह पर बोलता रहूँ, क्योंकि बाहर बुक आई, लुकमान भाई उन्होंने बुक दी जी वो रिच डैड पुअर डैड, मैंने देखा कि यहाँ पे तो इन लोगों ने ये बुक ही नहीं पढ़ी हुई। इतने लोगों को हमारे यहाँ पढ़ने का ट्रेंड है ही नहीं, इतनी सुस्त कौम है, नो लाइब्रेरीज हेयर, बाहर जाए लाइब्रेरीज हैं, इतना पढ़ने का ट्रेंड है, लोग बुक्स पढ़ते हैं, इतनी रीडिंग करते हैं, नॉलेज करते हैं, हमारे यहाँ तो सारे पढ़े लिखे पैदा हुए हैं जनाब, कोई ज़रूरत ही नहीं कोई पढ़े। कह रहे किसी को पढ़ाओ भी तो कहते यार क्या ज़रूरत है पढ़ने की। मैंने ये चीज़ बहुत फील की है पाकिस्तानी ऑडियंस के अंदर कि इनको पढ़ने का शौक है ही नहीं। बहरहाल हर एक की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, तो आप बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, बट मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है आर्टिकल जो है ना वो पढ़ते हैं जो ज़्यादा सीरियस इंटरेस्ट हो, जिनका अदला लेट से कि हम प्रोडक्ट को फाइनली लेना चाह रहे हैं ना, फिर हम बैठ के उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे। अगर हम सीरियस मूड में नहीं है तो हम वीडियो देख के खुश हो जाते हैं, मोस्टली मोस्टली लोगों का ऐसा है, बट अगेन दे आर एक्सेप्शन एज वेल कि जहाँ पे थोड़े बहुत लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि आर्टिकल ओवर वीडियो। बट द रीज़न ये सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बन गई है वो यही वजह है कि लोग ना वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अटेंड करते हैं, वीडियोज़ रैंक भी जल्दी हो जाती हैं, इनकी अथॉरिटी भी बन जाती है। अच्छा, मगर इसके नुकसान भी हैं, लेकिन मुझे वीडियो से आर्टिकल की ज़्यादा समझ आती है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रैंकिंग वीडियो यूट्यूब वीडियो। क्या डिसएडवांटेजेस हैं यूट्यूब की वीडियो को रैंक करने के? हमने एडवांटेजेस को तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस जो आप लोग फील करते हैं कि यार दीज आर द प्रॉब्लली डिसएडवांटेज के हमें वीडियो के ऊपर नहीं रैंक करना चाहिए, रादर हमें वेबसाइट रैंक करनी चाहिए? क्या किसी का कोई ओपिनियन है इस बारे में? अच्छा चले मैं एक आपको क्लू देता हूँ, आप लोग शायद इससे कोई आपको मिल जाए। क्लू नंबर वन है कि यूट्यूब पर वीडियो है, यूट्यूब इज नॉट योर प्रॉपर्टी। जितना मर्जी कर दो यार, इवेंचुअली ट्रैफिक तो यूट्यूब पे आ रही है ना, कल को आपकी वीडियो डिलीट और चैनल डिलीट, ऑल हार्ड वर्क वेस्टेड, ट्रू ट्रू? जी बिल्कुल सही हो गया, हमारी बनी हुई वीडियो भी कोई यूज कर सकता है। ओके अच्छा, एक और चीज भी है इसके अलावा। देखे इवेंचुअली तो अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यूज, ट्रैफिक तो यूट्यूब पर आ रही है, एंड इवन इन रेवेन्यूज गूगल इज ईटिंग चंक अमाउंट ऑफ परसेंटेज।
अच्छा, इसके अलावा हाँ बिल्कुल एडसेंस लग सकते हैं, मगर एक चीज और है जो यूट्यूब पे जिसके ऊपर मैं करता हूँ कि वीडियोस में जो है वो ये है कि आपके पास ना यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने का ऑन साइट कंट्रोल नहीं है कि एड कहाँ पे आए, किस जगह आए, रेलिवेंट कंटेंट क्या दिखाया जाए. यू डो नॉट हैव ऑन साइट कंट्रोल ऑन द पेज जहाँ पे वीडियो दिखाई जा रही है. दिस इज अनदर रीजन कि जनाब आपके पास जो है ना आप नहीं कर सकते हो क्या कि जनाब आप अपनी साइट को कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप अपना कॉल टू एक्शन नहीं दे सकते, आप बाय नाउ का बटन अपने मुताबिक नहीं दे सकते. यू हैव टू गो थ्रू अ सीक्वेंस. लेट्स से मेरे पास पूरे पेज के ऊपर एक छोटी सी पोर्शन है, उसके अलावा मैं और कहीं पे अपना कोई काम नहीं कर सकता. इजंट इट ट्रू? मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे लेट्स से हमने अगर यूट्यूब की वीडियो खोली है, अब देखिए ना, लेट से अगर हमने यार एक मूवी का एक गोलमाल, चलो हम ये एज एन एग्जाम्पल इसको डिस्कस करते हैं, तो जब ये खोला है तो पूरे पेज पे सिवाय इस गो वीडियो के और कहीं पे मैं यहाँ पे अपनी मुताबिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकता. मेरे पास जो आगे से ऑप्शन आती है वो यही आती है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाऊँ, वहां जाके काम करूँ, यहाँ पे जाके लिखूँ. मैं यहाँ बटन्स नहीं डाल सकता, इमेजेस नहीं डाल सकता, मेरा कंट्रोल ऑन द पेज कम है एज कंपेयर टू अगर मेरी अपनी वेबसाइट पे होता. मैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर हो कि यार हमने अगर रैंक करनी है क्यों नहीं रैंक करनी है, जब मार्केटिंग टर्म ये सारी बातें पता होनी चाहिए. जब मार्केटर एज एन एसईओ एक्सपर्ट सब आइडिया होने चाहिए कि जनाब हमने क्या स्ट्रेटजीज करनी क्या नहीं करनी, आपको हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव चीजें पता होनी चाहिए. ठीक होगा. अच्छा चले, अब हमने ये तो समझ लिया कि जनाब एडवांटेज भी समझ लिए, डिसएडवांटेज भी समझ लिए, अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम आगे आते हैं. अच्छा, ऐसा एक मजे की बात है कि आपकी वेबसाइट जो है हर वीडियो रैंक नहीं हो सकती. ठीक है, मजे की चीज ये है कि एवरी वीडियो कैन नॉट बी रैंक्ड. ठीक है जी, हाउ मेनी ऑफ यू डू नो दिस थिंग कि एवरी वीडियो कैन नॉट बी रैंक्ड. ओनली दोज वीडियोज कैन बी रैंक जो चार पांच कैटेगरीज में आती हैं. ठीक है, वन हाउ टू रिव्यूज ट्यूटोरियल फनी वीडियोज इवेंट्स, इसके अलावा बाकी सारी वीडियोज गूगल के पेज पे रैंक नहीं हो सकती. अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ हर टर्म के लिए ना गूगल ने लेट से ये है वेब होस्टिंग. अब हमने टर्म स्टार्ट किया ना वेब होस्टिंग, हम इसके ऊपर गूगल के ऊपर लिखे तो जनाब आपके सामने 10 क्वेरीज आ जाएंगे जनाब. और जनाब हर एक वेबसाइट जो है ना डैट इज एक फनकार है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लकीली एक जो है ना कोई भी नहीं आई हुई. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक भी वीडियो रैंक नहीं हुई हुई. अच्छा वीडियो कौन कब रैंक होगी, देख रहे हैं वीडियो नजर आ रही किसी को रैंक होती हुई वेब होस्टिंग कीवर्ड के ऊपर, किसी को नजर आ रही है? ठीक हो गया. अच्छा मतलब ये हुआ कि जितने मर्जी पैसे लगा लें वेब होस्टिंग कीवर्ड पर रैंक आपकी वीडियो होनी ही नहीं है. ठीक है, अगर होनी होती तो किसी ने तो की होती. ठीक है, अच्छा अब अगर हम सर्च करते हैं हाउ टू इंस्टॉल वेब होस्टिंग, इस तरह का कुछ जब हम हाउ टू लिखते हैं, ये टर्म ऐसी इतनी सही नहीं है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है. चलो यूं हम कर लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस. अब जब हमने यूं वर्डप्रेस कर देना है तो देखिएगा वीडियोज आ जानी है, कादी आ जानी है, मुझे बड़ी उम्मीद है आ जाएगी. ये देखिए आ गई वीडियो, आ गई यहाँ पे. व्हाट डज इट मीन, अब यहाँ वीडियो आई है इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं, इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट हम अपनी हम यूट्यूब की एसईओ कर सकते हैं. अगर इन केस आपके कीवर्ड पे कोई वीडियो नहीं है तो चांसेस ऑफ रैंकिंग इज गोइंग वेरी वेरी लो, बिकॉज यूट्यूब डजेंट वॉन्ट. यूट्यूब आपकी वीडियो को तभी रैंक करेगा जब वो चार ये इन पांच में फॉलो करेगी. एक तो हाउ टू, कोई गाइड हो,
कोई ट्यूटोरियल हो, लेट से कि जनाब हाउ टू रिमूव योर आईफोन बैटरी, हाउ टू इंस्टॉल दिस, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू चेंज योर कलर फेस, हाउ टू रिमूव एक्नी, हाउ टू सॉल्व एन डिजीज और एनीथिंग, एनी सोल्यूशन प्रॉबली जो आप दें उसको रैंक करेगा, उसके अलावा नहीं। दूसरी चीज जो वो रैंक करेगा डाटा रिव्यूज, रिव्यूज आपके रैंक करेगा, आप किसी चीज का रिव्यू देते हैं ठीक है, वो अभी आपका रैंक करेगा। थर्ड चीज है ट्यूटोरियल, दैट इज हाउ सम हाउ रेलिवेंट टू हाउ टू, बट ट्यूटोरियल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं केस स्टडीज के साथ, फनी वीडियोज, इनको रैंक मिलेगी। अच्छा इसके अलावा इवेंट्स, इवेंट्स जैसे लेट से लाइव मैच हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मैच हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज हो रहा है, ये वाले इवेंट्स रैंक करेगा। फनी वीडियोज में भी डैट इज हाउ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन, जब आप कार्टून्स की बात करते हैं, ये गेम्स की बात करते हैं, तो यू हैव अ सॉलिड चांस क्या आपकी जो फनी वीडियो वो रैंक करे, बट अनलेस एंड अनटिल दिस आपके हर कीवर्ड के ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। पता है ना यहाँ पे ये था कि एज अ मार्केटर आपको ये पता होना चाहिए कि किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है रैंक की जा सकती है, किन पे रैंक कर जितने मर्जी पैसे लगा दो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आया है जमान भाई का, देखते हैं क्या। सर मैंने सुना है कि हाउ टू कीवर्ड पर गूगल वीडियो को ज्यादा प्रेफर करता है, क्या ये ट्रू है? जी बिल्कुल सही सुना है आपने, गूगल प्रेफर करता है हाउ टू कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो को रैंक करना, डेट इज। वालेकुम सलाम, कौन भाई आए हैं, प्लीज अपना नाम भी बता दें साथ। ठीक हो गया, गोहर भाई वेलकम है। अच्छा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने आपको ये चीज यहां तक पता चल गई होगी कि हम हर कीवर्ड पे YouTube टारगेट नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, काइंडली प्लीज एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हमने इसके बाद सबसे पहले करने हम कुछ क्वेरीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हमें पता चले कि आइदर हम ट्रू हैं या नहीं ट्रू हैं। लेट से क्लिक बैंक की कौन सी प्रोडक्ट्स में है, चले मैं लेट से प्रोडक्ट्स खोल दूँ क्लिक बैंक की, जो है ना हम कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं कि अगर हमने उनकी वीडियो बनानी हो तो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कि आइदर इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि हम यूज़ करें। तो प्लीज़ जरा एक्सेल में लॉग इन करूँ अपने अकाउंट में, तो हम कुछ देखते हैं टॉप कन्वर्टिंग ऑफर्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स से हम यहाँ आगे, अब हम आते हैं हेल्थ और फिटनेस पे, और हम लेट्स से चले हम वेट लॉस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्री वीक डाइट जैसे बड़ा फेमस चल रहा है, ठीक है, अभी तक ग्रेविटीज की चल रही है, बड़ी पुरानी ऑफर है चल रही है। अच्छा इसके ऊपर जो है ना, आई बिलीव के देर विल बी अ वीडियो जो रैंक कर रही होगी, ठीक है, थ्री वीक डाइट। अच्छा लकीली इसके ऊपर वीडियो नहीं रैंक कर रही, ठीक है, ओके नहीं रैंक कर रही, इट मींस के इसके ऊपर हमें वीडियो रैंक करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा अब इसके बाद आता है जब मैं करता हूँ हाउ टू लूज वेट
by 3 week diet. इसके ऊपर एक वीडियो आ गई, इट मीन्स कि हाँ यार ये कीवर्ड है जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने हर कीवर्ड को इसी तरह देखना है, हर कीवर्ड की सर्चेज भी देखना है। अब लेट्स से इस कीवर्ड की अगर सर्च ही नहीं हो रही तो रैंक करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक स्ट्रैटेजी है वीडियोस के लिए, ठीक है। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब वीडियोस को हम यूज कर सकते हैं सपोर्टिंग। यूट्यूब वीडियोस कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग फैक्टर टू रैंक योर ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक हो गया। ये हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर जा रहे हैं और उसके ऊपर यूट्यूब की वीडियो रैंक हो ही नहीं सकती, होया है ही नहीं किसी की भी, तो हमारा अगला यूज इसका ये हो सकता है कि हम उस वीडियो के जरिए अपनी वेबसाइट की स्ट्रांग करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट को स्ट्रांग करें। हम इसलिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, ठीक है। वो ये है, ये देखना है कि हमारी लेट से अगर कोई भी पर्टिकुलर वीडियो अगर हमने ढूंढी है कि यार ये इस कीवर्ड के ऊपर मिल रही है, तो हमने ये भी देखना है कि उस कीवर्ड को एक तो गूगल में सर्चेस कितनी हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज को हमने क्या देखना है कि उस वीडियो के अपने बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है। हमारे पास वहां से डेटा आ जाएगा कि इसको रैंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट से मैंने इसी को देखा, यहां से ये उठाया और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे मजिस्टिक में डाल दिया। मैं देखता हूँ कि मजिस्टिक में कितने इसके ऊपर बैकलिंक्स आ रहे हैं। अच्छा, इट मीन्स इसके ऊपर इतने ज्यादा बैकलिंक्स नहीं हुए, इतने ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ। इट मीन्स कि यार दिस कीवर्ड इज इन हलवा जहां पे आप टारगेट कर सकते हैं। सेकंड चीज यूट्यूब को देखनी है कि इसके ऊपर क्या मेरे को चीजें हैं जो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, वो आप लोगों ने फिर इस पर गैस करनी है। मैं भाई ये खोल के फिर इसके बाद मैं चीजें दिखाता हूँ, फिर आपने उसके बाद से देखना है। यूट्यूब की वीडियो को रैंक करने का एक तरीका तो हो गया बैकलिंक्स, ठीक हो गया। सेकंड चीज जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है वो ये है कि यूट्यूब वीडियोस रैंक करते हुए इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान करता है। नंबर वन, एवरेज विजिटर व्यू ड्यूरेशन क्या है कि एक विजिटर आके एवरेजली कितना टाइम स्पेंड करता है। लेट्स से आपकी वीडियो 2 मिनट की है और एवरेज टाइम स्पेंड वहां पे 30 सेकेंड या इससे कम है, तो इट मीन्स कि लोगों को गूगल के सामने इंप्रेशन ये जाएगा यूट्यूब के सामने कि कंज्यूमर को विजिटर को इसकी वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो लेट्स क्लोज दिस वीडियो। तो इट मीन्स के यूट्यूब को बात समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा आपकी वीडियो नहीं देख रहा, इसको रैंक करने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड चीज, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स कितनी हैं। अगर तो आपकी डिसलाइक्स लाइक से ज़्यादा हैं तो अभी आप नीचे आ जाते हैं, और आपकी लाइक्स हैं कितनी, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगली बात है कमेंट्स। देखें, कमेंट कौन लोग करते हैं, कमेंट वही करते हैं जिन्होंने आपकी वीडियो देखी। वीडियो कौन लोग देखते हैं, जिनको यार वीडियो में इंटरेस्टिंग लगता है कुछ। वीडियो अच्छी होना बुरी होना डेट इज अ सेकेंडरी थिंग। वीडियो का अगले देख लेना डेट इज योर सक्सेस, कि अगले ने आपकी वीडियो देख ली डेट इज अ सक्सेस। यूट्यूब की रैंकिंग ये कहती है कि अगर विजिटर ने आपकी वीडियो व्यू कर ली, इट मीन्स कि यार ये वो कंटेंट था जो वो देखना चाह रहा था। अब कमेंट की है अच्छी या बुरी, ठीक है, डेट इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट कमेंट कौन लोग करते हैं, वही करते हैं जो वीडियो देखते हैं। तो यूट्यूब कहते हैं कि यार हाँ, चूंकि इस पर कमेंट हुए, इट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, ये लोगों को पसंद आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बात आती है योर चैनल, हाउ अपीलिंग इट इज। अच्छा, अब यहाँ पे अपीलिंग का मतलब 2-3 चीजें हैं। एक तो यह, क्या आपने अपने यूट्यूब चैनल की कवर फोटो कैसी रखी हुई है, उसके ऊपर आपने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ, फिर उसके ऊपर लेट से इसकी हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं, इसकी देखते हैं कवर चैनल के ऊपर देखते हैं, यहाँ जाते हैं इसकी कवर फोटो देखते हैं हम। इसने बहुत जबरदस्त नहीं, कोई बकवास ही लगाई हुई इमेज लगाई हुई है, ठीक है, तो इट मीन्स के यार ये यहाँ पे नहीं आ रहा, इस वीडियो को बैकलिंक भी कोई नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स के यार ये इस वीडियो को कोई बैकलिंक भी नहीं है, इस वीडियो के व्यूज भी ज्यादा नहीं है, इस वीडियो के लाइक्स भी ज्यादा नहीं है, इस पर कमेंट सिर्फ 3 है,
What does it mean? It's a very, very fairly easy competition कि हम इसके जरिए ऊपर आ जाएं, मगर ऊपर आने का तभी फायदा है अगर इस कीवर्ड पे सर्च होती है, अगर नहीं होती तो कोई फायदा नहीं यहाँ पे ऊपर आने का, ठीक है। आप यहाँ एक और भी चीज है जो गूगल देखते हो, आपकी देखते हैं रेलिवेंट वीडियोज, जो आपके चैनल में वीडियोज है वो आपके पेज से, आपकी बाकी वीडियोस की थीम से कितना रेलिवेंट है। सेकंड चीज है उनको क्या व्यूज है, उनके सामने क्या जा रहा है। आप देखें ना, इसने जैसे 3 वीक डाइट को की टारगेट किया हुआ है, 3 वीक डाइट, 3 वीक डाइट, 3 वीक डाइट, ठीक है। इसने रेलिवेंसी में गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट वो जो है ना, उसने वीडियोज अच्छी खासी 3 वीक्स डाइट के ऊपर डाली हुई है, ठीक हो गई। सारी नजर आ रही है सारी 3 वीक डाइट के ऊपर ही है। ये थीम भी बहुत ज्यादा मैटर करती है रैंकिंग में। अच्छा, अब नाउ हम आगे आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि यूट्यूब की जो है बैकलिंक प्लान। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि सोशल सिग्नल्स और स्पेशली गूगल प्लस के सिग्नल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गूगल को बहुत पसंद है, मगर यहाँ पे स्पेसिफिक केस के अंदर जब यूट्यूब की वीडियोज आती हैं तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो डैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हमारी सोशल सिग्नल हो, नंबर ऑफ पीपल जो आपकी वीडियो को फेवरेट करते हैं, फिर इसके अलावा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूट्यूब वीडियोस में, क्योंकि यूट्यूब ऑलरेडी एक ट्रस्टेड डोमेन है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ रैंक करना आसान है, क्योंकि बाकी कोई भी नई वेबसाइट चलाते हैं पहले उसकी भी डोमेन अथॉरिटी बनानी पड़ती है। यूट्यूब की तो डोमेन अथॉरिटी पहले से बनी हुई है, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसकी पेज अथॉरिटी बनानी है और हम रैंक कर लेंगे। सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंट, गेस्ट पोस्टिंग, वेब टू, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं जितनी मैंने उसमें बताई थी। इमेज फाइल, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, एक क्या कुछ है, इसमें आपको मेहनत कम करनी है। टिपिकली आपको लेट से अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करने में 3 घंटे चाहिए तो यूट्यूब की वीडियो को रैंक करने में 1 घंटा चाहिए होगा। अब इसके बाद अब आते हैं हम यूट्यूब का ऑन पेज। यूट्यूब ऑन पेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब तक यहाँ तक यूट्यूब आप लोगों को समझ आ गया है। किसी के पास कोई सवाल हो रिलेटेड टू यूट्यूब के बारे में तो वो पूछ ले यहाँ पे। एक चीज आप लोगों को रिवाइज करा दूं, जो आप लोग अभी आए हैं वो बता दूं कि हम हर वीडियो को रैंक नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हीं वीडियोस को रैंक कर सकते हैं जो इन कैटेगरी में फॉल करती हो। हाउ टू गाइड्स हो, रिव्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस हो, ट्यूटोरियल्स हो, फनी वीडियोज हो, इवेंट्स, मैच स्ट्रीमिंग, इनको फोकस करती हो तभी आपकी वीडियो गूगल पर रैंक होगी, नहीं तो गूगल पर रैंक नहीं होगी, ठीक है। अब नाउ लेट्स बैक, हमें यूट्यूब रैंकिंग से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं हम उसे। अच्छा, वैसे हमने यूट्यूब की ऑन पेज एसईओ डिस्कस कर ली हुई है, बट चूंकि आपने पूछा है तो जी बिल्कुल हमें यूज करना होगा। हमें कीवर्ड अपने टैग्स में भी यूज करना होगा, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना होगा, अपनी फाइल नेम जो हमने फाइल नेम वीडियो की रखी है उसमें भी यूज करना पड़ेगा और अपने टाइटल में भी यूज करना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर रैंक करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया बड़ा वाला, ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन है, अगर नॉर्मली हम किसी ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और उन पर नॉर्मल से बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो कौन सी कैटेगरी की बैकलिंक्स बिल्ड करनी चाहिए? अच्छा, अब देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि लेट से आपने 5 बैकलिंक बनाने हैं तो डेली के, तो एक आप वेब 2.0 का बना लें, एक आप फॉरम सिग्नेचर से बना लें, गेस्ट पोस्टिंग ऑन एंड ऑन रख लें, लेट से जिस दिन मिली उस दिन गेस्ट पोस्टिंग का लिंक रखें, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग तो डेली नहीं मिल सकती, ठीक है। फिर ब्लॉग कमेंट बेशक आप 2 कर लें डेली के, सोशल बुक मार्किंग्स भी 2 कर लें डेली के, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट के ऊपर या आप बेशक 1 कर लें। ये आप अगर किसी से पेड सर्विस लें, फाइवर पे पड़े होते हैं जब लोगों को आपकी वीडियो फेवरेट करवा देते हैं, डेली के 50 कर लें, 10 कर लें, जितने आपके हस्बे तौफीक हस्बे जायका हो, जिस तरह खाने में जुबैदा आप ही कहती हैं हस्बे जायका, इसी तरह हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जितना मर्जी फेवरेट करवा लें। और सोशल सिग्नल जो हैं 1 से 2 आप डेली रखें, बाकी लोग भी शेयर करें, आप भी अकेले शेयर कर रहे होंगे तो कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर लोग और शेयर करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू बनेगी। अथॉरिटी वाली साइट शेयर करेंगी तो अच्छी बनेगी, ऐसी स्पैम साइटें शेयर करेंगी जो बाकी कोई भी शेयर करते हैं उससे इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आते हैं सवाल,
अच्छा ठीक हो गया सर, अगर सेम साइट यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर वही, बट साइट सेम, इफेक्ट तो नहीं करेगी अथॉरिटी साइट? सवाल समझ नहीं आया, प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ठीक हो गया सर, अगर सेम साइट यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर वही, बट साइट सेम हो, इफेक्ट तो नहीं करेगी अथॉरिटी? नहीं, मुझे नहीं समझ आया, थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें इसको। अपने क्वेश्चन को प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। जी कोई मसला नहीं होगा, आप 10 साइटें बनाएं वेब 2.0 की और आप एक ही ब्लॉग को टारगेट करें, मगर आपकी एंकर टेक्स्ट की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अपना ऑफ पेज एसईओ के लास्ट लेक्चर लास्ट में या उससे पहले पहले लेक्चर्स में बताया था, कि लास्ट में नहीं बताया मैंने, उससे पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि एंकर टेक्स्ट की परसेंटेज क्या रखनी चाहिए। वो लेक्चर आपको जमान पे दे भी देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो उनसे ले लें। उसमें परसेंटेज डिफाइंड हुई है कि जनाब इतने परसेंट के ऊपर हमें जाना चाहिए। ठीक है, मैं स्लाइड भी कोशिश करता हूँ अपलोड कर दूँ, ताकि आप जिनके पास वीडियो नहीं है वो स्लाइड्स भी देख सकते हैं। बट बाकी एज अ होल कोई इशू नहीं, बट मैं पर्सनल तौर पे खाली एक मेथड रिकमेंड नहीं करता कि आप एक तरीके के जरिए अपनी तरफ रैंक करें। आप वो हमारा ऑफ पेज का लेक्चर भी सुनेंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट वाले, क्योंकि उस पर अच्छा हमने डिस्कस ये चीज़ की है। चलिए वीडियोस आपने सबको दे दिए, चलिए जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर वेलकम। और जमान भाई आप इतना एफर्ट करें, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह इसको अजर कसीर आपको दे। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद दो चीज़ें हैं, कंपेटिटर एनालिसिस है और फेसबुक पेज है, हम क्या डिस्कस करें? कोई बताएगा हम क्या डिस्कस करें, कंपेटिटर एनालिसिस डिस्कस करें या फेसबुक पेज डिस्कस करें? नेक्स्ट हम अब क्या डिस्कस, फेसबुक, फेसबुक पेजेस, ठीक हो गया। फिर हम इसको करके हम नीचे ले जाते हैं और हम जो है ना ऊपर आते हैं फेसबुक पेजेस के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा अब सवाल आता है कि फेसबुक पेजेस को हम क्यों रैंक करें? ठीक है, कोई इसके बारे में डिस्कस करें, फेसबुक पेज वर्सेस वेबसाइट, हम फेसबुक पेज को रैंक क्यों करें? हम लेट से एक न्यू स्लाइड बनाते हैं और इसका नाम रखें फेसबुक वर्सेस वेबसाइट, कि जनाब। अच्छा एक ने कहा ट्रैफिक के लिए, एक ने कहा कि सोशल सिग्नल यहाँ पे आसान है लेना। फेसबुक पेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे टू गेट ट्रैफिक, फेसबुक पेज वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू गेट ट्रैफिक। और कोई फेसबुक पेज वर्सेस वेबसाइट, इट्स इजियर टू रैंक न्यू फेसबुक पेज एज कंपेयर टू न्यू वेबसाइट। ठीक है, अथॉरिटी के लिए, और इट्स इजियर टू रैंक न्यू फेसबुक पेज एज कंपेयर टू न्यू वेबसाइट, और गूगल का ट्रस्ट भी यहाँ ज़्यादा होता है और कंज्यूमर्स का कस्टमर भी ज़्यादा, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट भी यहाँ पे होता है। और कोई इसके अलावा यूज़र को नोटिफिकेशन भी चला जाता है, यूज़र को नोटिफिकेशन भी जाता है, लेट्स आप कोई चीज़ नहीं अपडेट करते हैं यूज़र को नोटिफिकेशन भी जाता है। चले एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन हो रहा है अभी, एक दिन में आप गूगल पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं और फेसबुक पर कितना करते हैं? अच्छा बहुत ज्यादा फेसबुक पे, गूगल पर हमने 10 मिनट स्पेंड किए, फेसबुक पे 8 घंटे किए, और कोई मोस्ट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक। अच्छा ठीक हो गया, और कोई इसके अलावा? मैं सिर्फ सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ताकि सबका माइंड यहाँ पे लगा रहे, गलत बात भी तो करें बट हम डिस्कस करें, यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए आए हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाता है और हमें बेहतर से टॉपिक हमें समझ आ जाता है, सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से मैं सबसे बार 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 पूछते रहता हूँ। अच्छा बिल्कुल सही हो गया, हम गूगल से चीज सर्च करके फेसबुक पे चले गए, बाद में हमने रहने तो फेसबुक पे ही, असल में हमारा घर क्या हुआ,
हमारा इंटरनेट पे घर हुआ, फिर फेसबुक, एग्री। हम घर से जाते हैं दुकान पे चीजें लेने के लिए, ठीक है, और उस दुकान का नाम क्या है? गूगल। हम गूगल पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ढूंढने के लिए। ढूंढ के चीज कहाँ लेके आते हैं? अपने फेसबुक पेज पे। वापस कहाँ आते हैं? फेसबुक पेज पे। रहना हमने कहाँ पे? फेसबुक पेज के ऊपर। अगर हमने फेसबुक पेज पे रहना है तो इज इट अ बेटर कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनके फेसबुक पेजेस पे किसी तरह रابطہ उनसे रखा जाए? क्या मुझे किसी तरह रابطے में रहें, उनके साथ हम किसी तरह कनेक्शन में रहें? दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई फेसबुक पेज इज अ वेरी गुड वे टू रैंक योर वेबसाइट। ऑल्सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज स्ट्रैटेजी, इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जिसके बेसिस के ऊपर जो है ना आपकी साइट चलती, मतलब आई मीन के ट्रैफिक आए साइट के ऊपर। अब आपका फेसबुक घर है, गूगल दुकान है, ठीक है, जहां जहां से हम घर की चीजें लाते हैं, जहां से हम घर की चीजें लाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, ये यहां तक तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। अब हमारा है सवाल कि हमने पेजेस को रैंक कैसे करना, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हर एक फेसबुक का पेज रैंक नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरह हर यूट्यूब की वीडियो रैंक नहीं हो सकती, इसी तरह हर फेसबुक का पेज रैंक नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें खुशी की बात भी है, अफसोस की बात भी है। खुशी की बात ये अफसोस की बात ये है कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी जो मैं आगे बताऊंगा ना ही फॉलो की, तो आपका पेज रैंक होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और खुशी की बात ये है कि स्ट्रैटेजीज आपको पता चल गई तो आप बहुत आसानी से अपने पेज रैंक कर सकते हैं, और उस पेज के जरिए भी अपनी ट्रैफिक को भी रैंक, अपनी वेबसाइट को भी रैंक करवाएं, और पेज भी ट्रैफिक लें और वेबसाइट पर भी ट्रैफिक लें। अच्छा, अब आती है बात आगे कि फेसबुक का पेज कौन बना सकता है? फेसबुक का पेज कौन बना सकता है? हर कोई बना सकता है। लिंक, अब ये चीज तो गूगल को पता है कि कोई भी लिंक स्पैम करेगा, अपना जीएसए चलाएगा, ब्लैक हेड एसईओ करेगा, ब्लॉक कमेंट ब्लास्ट करवाएगा, 50,000 ब्लॉक कमेंट ले लेगा, जिस तरह इवन ब्लॉक पे लोग लेते हैं, तो अपने फेसबुक के पेज को रैंक कर सकता है, ठीक है, पेज रैंक कर देगा। मगर गूगल को यह पता है कि इस तरह हमारी शफाफियत रहेगी नहीं, हमारे सर्च रिजल्ट खराब हो जाएंगे, हर बंदा आके अपने फेसबुक पेज को ऐसे रैंक करेगा। तो गूगल ने इसको मद्देनजर रखते हुए एक बनाई स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हर पेज वो रैंक नहीं करते, ठीक है, वो लिमिटेड पेजेस को रैंक करते हैं। वो कौन सी पेजेस को रैंक करते हैं, आए हम उसको डिस्कस करते हैं। हर वो पेज, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बात है कि आपके पेज पे आप वीडियो शेयर नहीं करते, इमेजेस शेयर नहीं करते, यूनिक कंटेंट शेयर नहीं करते, आपका पेज गूगल रैंक नहीं करेगा। मगर ये तो है सिंपल सी बात, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सर, पेड रैंक तो हर कोई कर सकता है। देखिए, पेड तो आपने ऐड चला दिया, अच्छा उसमें भी क्वालिटी स्कोर है ना, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा अगर ये चीजें नहीं करेंगे, तो आपका क्वालिटी स्कोर बुरा होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक हो गया। हमें क्वालिटी स्कोर अच्छा करेंगे तो पेड रैंक में भी हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब यहाँ ये बात आती है कि हमें, हाँ, हमें जो पेज है उसके ऊपर हमें वीडियोस भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए, यूनिक कंटेंट भी चाहिए। ये है बेसिक शराइत आपका पेज का। लेट से आपका पेज वेल मैनेज पेज कौन सा होता है? जो डेली स्टेटस भी देता है लोगों के, लोग वहां पे लोगों के कमेंट्स भी होते हैं, इंटरेक्शन भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल इंटरेक्शन, लोग कमेंट भी करते हैं। और ये नहीं होता कि आपका एक दिन आए तो 2 हफ्ते के स्टेटस डाल दिए, 10-15 स्टेटस कंटे डाल दिए, और अगले 2 हफ्ते आपने कोई स्टेटस अपडेट नहीं किया। फेसबुक को, गूगल को ये चीज भी नहीं पसंद ना, फेसबुक को भी नहीं पसंद। आपका पेज डेली अपडेट होता है और डेली मेंटेन होता है। ये है 0.1 रैंक करने का, एक क्लॉज है, मगर आगे जो मैं बताने लगा डेट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, उसके लिए मैं जाना पड़ेगा अगली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। और वो है कि अगर हमारी साइट पे ये चीजें नहीं है, हमारे पेज पे नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट हमारा पेज रैंक हो। स्ट्रैटेजी बाकी बैकलिंक सी वही है जो गूगल की है, मगर हमारे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, जब हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, गूगल क्या समझता है? डैट इज अ रियल बिजनेस,
आवर्स ऑफ ऑपरेशन, फोटोग्राफ, रिव्यूज, रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावर है रैंक करने के लिए उसमें, वेरी पावरफुल, ठीक है। आपने रिव्यू प्लगइन डाला, वेरी पावरफुल। हिस्ट्री कब से मेंटेन हो रहा है, दो दिन पुराना पेज रैंक हो रहा है। टेस्टिमोनियल्स, वेरी पावरफुल, ये वही रिव्यूज में आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी कूपन हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, ये आपकी कितनी चलती रहती हैं। फेसबुक पेजेस को बेस्ट कहाँ रैंक करना चाहिए, स्लाइड नहीं ऐड, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। फेसबुक पेजेस किन कीवर्ड्स पर रैंक करने चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब लेट से के अब बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो हमारे, लेट से गोहर भाई आप कौन से एरिया में रहते हैं, अपने शहर और एरिया का नाम बताइएगा। ठीक हो गया। आप लेट से अब एक कीवर्ड है फेसबुक सर्विसेज इन गढ़ी शाहू लाहौर, डेट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। ये कीवर्ड एक कहते हैं ना, जिस तरह एक टर्म होती यूज होती है मलाई वाली, ठीक है, डेट इज फॉर फेसबुक। ये कीवर्ड्स रैंक करने के लिए वेरी गुड है। हमारी बैकलिंक स्ट्रैटेजी वही है, सिर्फ हमें इंटरनली जो चीज़ें फ़र्क रखनी है वो ये रखनी है। हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, फोटोग्राफ, रिव्यूज, हिस्ट्री, टेस्टिमोनियल, कूपन, स्पेशल ऑफर, और ये चीज़ें मेंशन होंगी। अच्छा, इससे क्या सिग्नल जाएगा, ये चीज़ें कौन कौन लोग करते हैं, ये चीज़ें ऐड, ये जो सेक्टर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये कौन सी कौन लोग फेसबुक पेज वाले ऐड करते हैं, कोई बताना चाहेगा। प्रोफेशनल्स ऐड करते हैं, और कोई कोई बिजनेस पेज ऐड करते हैं, यानी कि वो पीपल जो सीरियस है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जो सीरियस हैं काम करने के लिए, जो सीरियसली फेसबुक पे आए हैं, उनका काम लिजिमेट है, लिजिटिमेट है, दे आर अ वैलिड बिजनेस, दे आर सीरियस फॉर द बिजनेस, दैट इज वाई वो इतना ज्यादा तरद्दुद करते, इतनी मेहनत करते, इतनी चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। और आप भी जब इस तरह का पेज खोलते हैं तो आपके सामने क्या इंप्रेशन जाता है, हाँ यार कोई अथॉरिटी पेज है, कोई वैलिड पेज है, कोई सही पेज है, ऐसे इंप्रेशन जाता ही नहीं जाता अगर ये चीज आप किसी पेज पे देखें। यही चीज जो है ना, गूगल भी चाहता है कि आपका पेज ये क्राइटेरिया पे हो तो मैं उसको रैंक करूं, सीरियस बिजनेस को, सीरियस पेज को वो रैंक करना चाहता है। ये चीजें आप डालें, आपको पेज रैंक करना हलवा है आपके लिए। अच्छा, अब यहाँ एक फर्क ये है कि चूंकि फेसबुक और यूट्यूब इतनी ट्रस्टेड डोमेन हैं कि इनके ऊपर लेट से अगर आप स्पैमिंग करके भी दो चार बैकलिंक्स बना देते हैं तो इतना इशू नहीं है। लेट से हमारी अपनी वेबसाइट पे हो तो हमारा सैंडबॉक्स लग जाता है, पेनल्टी डाल जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फेसबुक पेज को कोई पेनल्टी नहीं। गूगल की पेंडुइन, पांडा, पेंगुइन और जो है फ्रॉग और जिस तरह की भी अपडेट आनी आ जाए आपके फेसबुक पेजेस को, एटसेल्फ फेसबुक डोमेन को कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फेसबुक डोमेन, यूट्यूब डोमेन, इनको रैंकिंग में कोई इशू नहीं आएगा गूगल के ऊपर। हाँ, हमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो ये है कि हमारा पेज का कॉन्टेंट यूनिक हो, हम रेगुलरली इमेजेस डालें, वीडियोज डालें, फिर इसके बाद हमारा बैकलिंक प्लान हो, जैसा कि हमारा यूट्यूब के लिए था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे ये था हमारा YouTube का वीडियो का प्लान था, यही सेम इम्प्लीमेंट होगा हमारा Facebook के ऊपर भी। चलो बल्कि काम करता हूँ कि मैं इसके बना देता हूँ, मैं एक फाइल ही बना देता हूँ, मैं या इस तरह करके आप लिंक्स अपनी डेली बनाएं, दो से तीन हफ्ते में आपका पेज रैंक होगा। वेबसाइट रैंक करने में महीना डेढ़ दो लग जाते हैं, आपका पेज रैंक होने में हफ्ता डेढ़ दो तीन में रैंक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक महीने के अंदर अंदर रैंक हो जाएगा ये वाला पेज, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी तो फेसबुक के पास है। अब आपने अपनी बनानी पेज अथॉरिटी, जब हम अपनी वेबसाइट रैंक कर रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान होता है, एक होता है डोमेन अथॉरिटी, एक होता है पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी तो हमारी है, अब हमने बनानी पेज अथॉरिटी, ठीक है। आप यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर ले, नहीं तो फिर हम आगे कंपेटिटर एनालिसिस की तरफ जाते हैं।
अच्छा, पहले तो आपने पेज बनाना है इनके मुताबिक, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनके मुताबिक, फिर उसके बाद आपने बैगिंग्स बनाने हैं। पहले पेज बनाने हैं, जो एसओपी जो बताई है पॉलिसी उसके मुताबिक, इनके स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको बिजनेस टर्म में कहते हैं एसओपी, इनके जो पॉइंट्स बताए हैं उनके मुताबिक पहले पेज बनाना है, फिर बैगिंग्स की तरफ जाना है। अब जो मैंने चीज़ें हाई वैल्यू कही हैं, इट मीन्स कि इनका ज़्यादा वजन है, इनका ज़्यादा वोट है फेसबुक पेज की रैंक होने में, यहाँ तक किसी के पास कोई और किसी के पास क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ कर ले। बिल्कुल आपका जो आप चेक करें, आप की अगर आपने इस तरह बना दिया, जैसे हमने यहाँ देखा है ये लॉन्ग टेल में, जैसे ये कीवर्ड है हमने इसी का पेज बना दिया है, फेसबुक सर्विसेज इन गढ़ीसा लाहौर, ठीक है, जिसने भी वो, और ये हमारा पेज रैंक होना शुरू हो जाएगा इस टर्म के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ इस टर्म के लिहाज से आप पेज बनाएं, जो आपकी कीवर्ड टर्म है उसी के मुताबिक आप अपना पेज बनाएं, उसी पे आपका पेज रखें, उसी पे आप अपनी यूआरएल भी रखें, आपकी जो यूआरएल है वो भी इसी पे होनी चाहिए, कीवर्ड नेम उसमें होना चाहिए। और यहाँ तक किसी के पास फेसबुक के हवाले से कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम आगे कंपैटिटर एनालिसिस की तरफ चलें, अगर कोई सवाल है तो वो कर ले। अच्छा, कुछ वायरल नेम्स होते हैं वो भी इजी रैंक हो जाते हैं, जैसे ये बिक गई है, बिक गई गवर्नमेंट, जी बिल्कुल, ये भी इजीली रैंक हो जाते हैं इसमें। तो बल्कि आप एक काम करें कि ब्लॉग कमेंट ब्लास्ट आता है फाइवर के ऊपर, ये सर्विस बड़ी अवेलेबल है, ब्लॉग कमेंट्स वगैरह ये अपनी पेजेस के ऊपर दिलवाएं, सोशल सिग्नल्स दिलवाएं, तो आपको तो मसला ही कोई नहीं होगा इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होने के लिए। और कोई सवाल? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कंपैरेटर एनालिसिस की तरफ। कंपैरेटर एनालिसिस को हमने पिछले लेक्चर के अलावा से पहले दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था। बेसिकली हम कंपैरेटर एनालिसिस को हम दोबारा से हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज, कहते हैं हमारे वर्क की ज़रूरत है इस चीज़ को समझना। हम क्यों करते हैं कंपैरेटर एनालिसिस, इतनी दफ़ा हमने डिस्कस किया कंपैरेटर एनालिसिस, मेरे ख्याल में अब आपको पता होना चाहिए हम कंपैरेटर एनालिसिस क्यों करते हैं, कोई राय देगा हम कंपैरेटर एनालिसिस करते क्यों हैं, क्या वजह है, और दोबारा भी डिस्कस इसीलिए मैं करूं बिकॉज इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। वो बताना चाहेगा हम कंपैरेटर एनालिसिस क्यों करते हैं सर, कंपैरेटर की स्ट्रेटेजी समझने के लिए। ठीक हो गया, और कोई बताएगा इसके अलावा? ठीक, आपने बिल्कुल सही बताया, और कोई इसके अलावा बताना चाहेगा? एक तो जमान भाई ने बात बताई बिल्कुल सही, और कोई? सेम, और कोई? सर ये शॉर्ट फॉर्म भी डिफाइन करें, PADA। अच्छा, PADA हमने ना पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है PADA, मैंने इसलिए छोटा इसको मैंने किया नहीं, आई गेस हमने लेक्चर्स सुने नहीं पीए वाले। पीए होता है पेज अथॉरिटी और डी होता है द मेन अथॉरिटी। डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑफ पेज एसईओ, और उससे पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्कस किया हुआ है। हम
असल में कंपेटिटर एनालिसिस हम करते क्यों, कंपेटिटर एनालिसिस हम करते हैं अपने लिए, ठीक है। कंपेटिटर एनालिसिस बेसिकली हमें बताता है मार्केट की डिमांड है क्या, मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए आप रेस्टोरेंट, आपने आप लोग लेट से आपको पास आपके पापा ने आपको बोला है कि यार ये लो 1 करोड़ रुपया जाके नया रेस्टोरेंट खोलो, आपका सबसे पहले क्या होगा आपका काम, आप सबसे पहले क्या करेंगे? वो 1 करोड़ रुपया मिला है, पापा ने कहा रेस्टोरेंट खोलो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? लोगों के देखेंगे रेस्टोरेंट, सर मार्केट को देखेंगे, बिल्कुल सही होगा, हमें मार्केट में जाके देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जनाब हम जिस घर, हमारा घर जिसके पास है, हमारे घर के एरिया में जो है कोई रेस्टोरेंट की मार्केट की ज़रूरत, रेस्टोरेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे यार लेट्स मूव टू सम अदर प्लेस, ठीक है, फिर हम जाएंगे। हम पहले लोग अब कोई जो बंदा जिसने काम नहीं शुरू किया हुआ, वो जैसे लाहौर में बड़ी फेमस प्लेस है एम आलम रोड, वो कहेगा यार ये मैंने एम आलम पे खोलना है या मैंने वाई ब्लॉक पे खोलना है रेस्टोरेंट, ठीक है। मगर जब वो जाएगा और वहाँ का कॉम्पिटिशन देखेगा, वो क्या कहेगा, यार यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तरह तरह का A1 किस्म का रेस्टोरेंट खुला हुआ, ठीक है। उसके सामने आएगा यार अगर हमने यहाँ पे आना है तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ स्पेशल चीज़ देनी है, वरना हमारा रेस्टोरेंट चलेगा नहीं, किराए यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारा फेल हो जाएगा, रेनोवेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हमने एम आलम से हट गए, वाई ब्लॉक से हट गए, फिर हमने कहा यार हम किसी छोटी जगह पे देखते हैं, छोटे एरिया में देखते हैं, मगर हम वहाँ देखेंगे यार क्या यहाँ पे कस्टमर आता भी है या नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसी कॉलेज के पास, देखेंगे यार ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो ले लेंगे हमारे से। अगर अब जब हम जाएंगे कॉलेज के पास तो हमें ये चीज़ का पता कि यार हम ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट वहाँ चला नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स का बजट इतना होता नहीं है कि वो महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सके। तो हमें अपना रेस्टोरेंट की कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी, हमें उनको मतलब चूँकि हमारी प्राइम मार्केट पर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये क्या है, ये बेसिकली डेटा है, रिसर्च है, इसके बगैर आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, इस डाटा के बगैर आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। असल में बार बार हम कंपेटिटर एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इसके बगैर आप अपनी वेबसाइट की SEO नहीं कर सकते, आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग नहीं कर सकते अगर आपको ये चीजों का नहीं पता, ये चीजों का डाटा नहीं है आपके पास, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं, सबसे पहला काम क्या है, हमने अगर किसी कीवर्ड को रैंक करना है, लेट से मैं कहता हूँ कि हम किसी कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, उस कीवर्ड का नाम है 3 weeks डाइट रिव्यू, ठीक है। अब मेरा ये कीवर्ड है, सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना इसको देखा कि गूगल पे सर्च क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर मैंने जाके देखूंगा कि इसकी सर्चेस कितनी है इस कीवर्ड की, अच्छा अब इस कीवर्ड की सर्चिस कितनी है, 720 है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में 720 एवरेज हम लगा लेंगे जनाब, 1000 सर्चिस हैं इस कीवर्ड की, ठीक है, पर मंथ 1000 दफ़ा सर्च होता है। अगर हम इस कीवर्ड पे रैंक होते हैं तो हमारा क्या बिजनेस होगा, हमें देखना पड़ेगा हमारे हम प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं 3 week डाइट, ठीक है, इसके ऊपर एवरेज सेल हमें मिलता है $30, ठीक है। लेट से अगर हम कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हैं 3 week डाइट रिव्यू, ठीक है, सर्चेज हैं 1000, लेट से हम पोजीशन 1 पे आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 1000 विजिटर ही आएगा हमारी वेबसाइट को देखेगा हमारा खोलेगा, हम एस्टिमेट लगाएंगे कि जनाब हमारे 800 विजिटर आ रहे हैं पर मंथ, ठीक हो गया। मगर चलो हम ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है फर्स्ट पोजीशन 1, 2, 3 पोजीशन पे रोटेट करेगी, 1, 2, 3 पोजीशन पे, ठीक है, 1, 2, 3, एक सेकेंड मैं बल्कि इसको करता क्या हूँ कि मैं इसको डाटा को इसमें ले जाता हूँ पावर पॉइंट में ले जाता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ।
ठीक है जनाब, हमारा कीवर्ड है कि सर्चेज हैं 1000, हमने पोजीशन 1 पे गए तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 8, अगर हम कहते हैं कि यार हम 1, 2, 3 पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है, और हमारी ट्रैफिक जो है ना डैट इज़ अराउंड 400 to 500 विजिटर पर मंथ है, ठीक है, हम एस्टिमेट लगाते हैं 400 विजिटर है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जनाब हमारा कन्वर्जन रेट है 2% के हर 100 में से 2 बंदा हमारी वेबसाइट से खरीद लेता है, हालांकि ये वेरी हाईली है, यहाँ पे 10% होना 15% होना इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, क्योंकि आपका वो बंदा सर्च कर रहा है जो इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। हम यहाँ पे 5% भी रखेंगे तो भी ज़बरदस्त है, अगर मैं 2% रख रहा हूँ फिर भी सेफ साइड के लिए हम 2% रखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस है $30 प्रोडक्ट प्राइस, इसका मतलब हुआ कि हमें 100 विजिटर पे $60 का बिजनेस है और 60 × 4 $250 पर मंथ, $240 हमारी वेबसाइट कमाएगी, ठीक हो गया। ये मेरा पर मंथ का डाटा आ गया, ये मेरी एक कंपेटिटर एनालिसिस की रिसर्च का हिस्सा है जिसमें मुझे पता चला कि अगर मैं टॉप पोजीशन पे आऊँगा तो मैं पैसे कितने कमाऊँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये डाटा आ गया, जब मैंने 1000 विजिटर देखे थे तब सिचुएशन और है, अब जब मैंने अपने रेवेन्यू देखे है तो मेरे सामने ये एग्जैक्ट फिगर है जो मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा अपने ऊपर देखने के लिए यार इसके ऊपर रैंक कौन कौन कर रहा है, ठीक है। पहले तो मैं देखूँगा कि यार अच्छा आप देखें यहाँ पे एक वीडियो भी रैंक कर रही है, ठीक है, इट मीन्स कि हम इस कीवर्ड पे यूट्यूब वीडियो भी रैंक कर सकते हैं। अब हम आके इस वीडियो को अगर तो हमने वीडियो रैंक करनी है तो हम एक वीडियो को भी देख लेते हैं इसमें। अच्छा मज़े की बात गौहर मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे ज़्यादा फेसबुक पेजेस को ना देखिए क्लिकबैंक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हुए, अब आप ये देखेंगे पता लग गया कि इसके पास 13 बैकलिंक्स हैं मेरे पास, इट मीन्स कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर लेते हैं ये WW में मिटा के लेते हैं और कोई बेहतर फिगर आ जाए कि लिंक्स के वाले से और एग्जैक्ट आ जाए, नहीं अच्छा यही फिगर ही है, यहाँ WW हाल ही के साथ ट्राई करते हैं। अच्छा तो मतलब समझ आ गए 14-15 बैकलिंक्स है, बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स इस वीडियो के ऊपर नहीं है, ठीक हो गया। एक और भी तरीका है बैकलिंक को मेजर करने का, ठीक है, वो ये है बैकलिंक वॉच, ठीक है, ये टूल एक फ्री टूल है, ठीक है, डैट इज़ अ वेरी गुड टूल। आप मैं RF और इनको मैंशन नहीं कर रहा चूँकि वो पेड हैं, ये फ्री है, ये बहुत अच्छा टूल नहीं है, बगर एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कि अगर यहाँ पे भी अगर कुछ बता दे कि इसकी वीडियो को कितने बैकलिंक्स हैं। ये ठीक हो गया, चलिए जब तक ये बैकलिंक्स निकाल रहा है और इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अच्छा ये इसने कहा कि जनाब इसके ऊपर बैकलिंक्स नहीं है, ठीक हो गया, इट्स नॉट कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा अब हमने जाके इसकी देखी कि इसके हम वीडियो के ऊपर देखते हैं कितने व्यूज़ हैं, कितने पेज लाइक हैं, क्या है, एक तो हमारे पास इसे डाटा आ जाएगा क्या हम इसके ऊपर वीडियो अपनी रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें ये डाटा भी चाहिए, 13 बैकलिंक्स हैं, मगर यहाँ बात जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि तगड़े बैकलिंक्स थे क्योंकि उसका TA और TF और CF अच्छा था। All the women on my side of the family struggle with extremely slow metabolism. अब ये देखें यहाँ पे इसके व्यूज हैं 23,351, इट मीन्स इसको व्यूज अच्छे मिले हुए हैं, 85 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, ठीक है, कितने कमेंट्स हैं, 11 कमेंट है। हमारे पास ये डाटा होना चाहिए, अगर हमने रैंक करने आए तो हमारे पास ये सब कुछ पता होना चाहिए जनाब अगला क्या कर रहा है। दूसरी चीज़
कौर है बैक के ऊपर, तो यहाँ पर चला 8 और 28 मीन्स के यार हम थोड़ा सा मेहनत करें तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम ये जैसे लेट से यहाँ पर इसका लिंक आ रहा है और एक जगह के ऊपर आ रहा है, हम मेहनत करें तो हम इसे रैंक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमें यहाँ ये देखनी पड़ेगी बाकी साइटें जो रैंक आ रही हैं वो कौन सी हैं। बाकी सारी साइटें तगड़ी साइटें हैं, ये सब का पता लगता है, सब पेजेज हैं जो रैंक हुए हैं। इट मीन्स के इसको देखें ये इसको कितने बैकलिंक्स हैं, इसकी नहीं एक्सप्रेस मेन डोमेन को कितने बैकलिंक्स हैं, इसको मजिस्ट्रिक ऊपर देखें कि जी क्या इसकी पोजिशन है। अच्छा आप लोगों को आवाज आ रही, कंफर्म करें, मेरे हाल आवाज ड्रॉप हो गई थी, काइंडली जल्दी से कंफर्म करें आवाज आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा अब यहां ये देखना पड़ेगा कि हमारे इसके ऊपर 8 और 13 है, मतलब हम इसमें मेहनत करके काम कर सकते हैं। अब इसके मुकाबले में अगर हम इसको देखते हैं कि ये जो मैं हमने जो ये यूआरएल पकड़ी थी इसको देखें, इसके ऊपर कितना काम हुआ हुआ है, इसकी कितने बैकलिंक्स हैं। अब यहाँ पता चला इसका 29 सी एफ बहुत हाई सी एफ है, 38 ये बहुत हाई सी ए डी के ऊपर बैठे, इनका पी ए डी ए भी ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स कि ये बहुत तगड़े किस्म के बैकलिंक्स, बड़े स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स हैं। अच्छा अब आते हैं इस पेज को कितने बैकलिंक्स मिले हुए, फिर इसके बाद सामने सिचुएशन है कि यार आइदर इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट टू रैंक ऑन दिस टॉप। अब देखिए इस पेज अलोन को 23 सीएफ और 40 मिला हुआ है, ये इसने सारे जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग वेबसाइटों से बैकलिंक्स लिए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये जिसका टी एफ सी एफ कम होगा इट मीन्स कि यार वो आसान है रैंक करना, जैसे वीडियो था वीडियो आसान है। अब हम आते हैं फर्स्ट पेज पे और देखते हैं, आई वुड रादर प्रेफर के अगर हम कोई उन पेज को टर्म्स को टारगेट करें जिन टर्म्स के ई एम डी डोमेन या डायरेक्ट डोमेन जिनके ऊपर बनी हुई है और वो टारगेट आ रही हैं, क्योंकि इसमें हमें डोमेन का भी देखना पड़ता है, अगर वो डोमेन बड़ी डोमेन है तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखे ना ये कोरा का पेज रैंक हुआ हुआ है यहाँ पे 2015 का, बहुत पुराना हुआ हुआ है, जैसे इस तरह की टर्म है आप देखे ना इसने कितना काम किया हुआ, हम इसको भी देखते हैं जो ये दूसरे पेज पे आई है इसने कितना काम किया हुआ है। एक सेकेंड प्लीज, मेरे पास शो ही नहीं हो रहा गो मीटिंग का जो है ना कहाँ पे है ये, सॉरी। अच्छा अच्छा अब हम वापस आते हैं, सॉरी टू टेक योर टाइम। मैंने यहाँ ये देखें कि इस पेज को इटसेल्फ कितना ट्रस्ट मिला हुआ है, 70,000 बैक लिंक हैं इस पेज के, नज़र आ रहे लिटरली
अब देखें कि 70,000 इसके ऊपर बैकलिंक्स आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आप लोगों को 70,000 बैकलिंक इस डोमेन को हुए हैं? किसी को नजर आ रहा है ये या नहीं आ रहा कि जी 70,000 बैकलिंक बने हुए हैं इसको? नजर आ रहे हैं आप लोगों को? लोगों को ये देख रहे हैं 70,000 एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं इस डोमेन के ऊपर। एनीवन सी, कैन एनीवन सी दिस? अच्छा ठीक हो गया। आप लोग प्लीज़ कंफर्म करें, आप लोगों ने ये देखा मेरे 70,000 जो हैं बैकलिंक्स हैं इस डोमेन के ऊपर जो ये 3 वीक डाइट की, ठीक है। अब हम आते हैं इस कीवर्ड के ऊपर का ये दूसरे पेज पे रैंक हो रही है, ठीक है। हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। हमें हर कोई एक हर जो है ना फर्स्ट 2 पेजेस को देखना पड़ेगा कि इनके मेन डोमेन के कितना बैकलिंक्स हैं और इनके सब पेजेस के कितने बैकलिंक्स हैं। अब जैसे लेट से अगर ये एक डोमेन है ट्रस्ट वर्थी फिट, चले हैर अगर हम जाते हैं इसको बैकलिंक वॉच पे डाल के देखते हैं। पहले मैं देखूंगा ये ट्रस्ट वर्थी फिटनेस है अभी HTTP पे या HTTPS के ऊपर है। ये HTTP के ऊपर है, ठीक हो गया। अब मैंने ये यहाँ पे ये डाल के देखी अब इसने मुझे ना इसके बैकलिंक्स निकालना शुरू कर दिए गए जनाब, कहाँ कहाँ से इसके बैकलिंक्स आए हुए हैं, ठीक हो गया। ये वैसे बैकलिंक्स निकालने के लिए टूल अच्छा है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। अब हमें ये पता चल गया कि ये कीवर्ड हमने टारगेट नहीं करना यार, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोगों का दूसरे पेज पे नीचे आ रहे हैं जिनके 70,000 हैं, वो दूसरे पेज पे नीचे बैठा हुआ है। तो हमने कौन सी कीवर्ड पकड़नी है? हमने वो पकड़नी है जिनके जो न्यूली प्रोडक्ट्स एडेड हैं क्लिकबैक में, उन्हीं को मैं PPC में भी रिकमेंड करता हूँ, उन्हीं को मैं SEO में भी रिकमेंड करता हूँ कि आप उन्हीं को पकड़ें जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ओल्ड प्रोडक्ट्स जाएंगे, वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स पर जाएंगे, इनका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि जनाब बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैट डिमेंशन है इसके ऊपर देखे लैट से, कोई वीडियो तो नहीं रैंक हो रही। ये कंपैटर एनालिसिस मैं करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को करना आए कि हमने करना कैसे। हर डोमेन का PADA निकालें, PADA पता नहीं कैसे निकालते हैं। मोज के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके मोज के ऊपर जाएं और उसका ओपन साइड एक्सप्लोरर खोलें। और यहाँ से निकालें, उसका आता है यहाँ पे अब जब हमने फैट डिमेंशन के ऊपर देखा तो हमें ये देखने चाहिए कि इस डोमेन को कितने हैं, इसका PADA क्या है। इसका PADA तो ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ एक देख लूँ HTTPS के साथ तो नहीं है कहीं।
सही हो गया, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बट 22 PADA लेना मेरे लिए मसला नहीं, बट आप लोगों के लिए मसला होगा। आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को इशू आएगा, ये अच्छे बैगिंग्स की निशानी होती है। अब यहाँ ये वीडियो आ रही है, वीडियो को खोल के देखें, वीडियो के व्यूज़ कितनी हैं, इसके ऊपर कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट हैं, फिर इसके जाके आपने बैगिंग्स देखने, बैगिंग्स आपने मजिस्टिक से देखने हैं। यहाँ बैकलिंक वो वॉचर टूल जिस तरह वो चल रहा है, ये अभी तक जो है ना बैकलिंक निकाली जा रहा है, उसके निकाली जा रहा है, हर एक बैकलिंक निकालता जाएगा, ये हर एक आपको बताएगा कहाँ कहाँ से बैकलिंक आ रहा है। अब ये देखें, इसने फैट डिमेंशन के ऊपर ये रैंक कर रहा है, इसके 1 लाख व्यूज है, 423 लाइक्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 97 कमेंट्स हैं। डैट मीन्स के यार उसे अपनी वीडियो पे काम किया हुआ है, वो मेहनत हुई भी है, ठीक है, तभी रैंक हुई भी है। अब बैकलिंक्स भी अच्छे से बने हुए हैं इसके ऊपर। हमारी ये रिसर्च होना वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें कितना काम करना पड़ेगा। हम लोगों को मेंटली कितना काम करना पड़ेगा ये सब हमारे पास डेटा है, ठीक हो गया। अब आप लोगों का इससे मुतल्लिक कोई और सवाल है तो वो प्लीज़ कर लें। आज के लेक्चर से अच्छा अब आया क्लिक बैंक वाया एफिलिएट मार्केटिंग वाया पीपीसी क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स, इस पर डिस्कस करेंगे। जी क्लिक बैंक वाया एफिलिएट मार्केटिंग वाया पीपीसी, दानिश भाई उस पीपीसी वाले ग्रुप में डिस्कस होगा, पीपीसी ग्रुप में। ये वाला जो आपने दानिश भाई कहा है वो पीपीसी ग्रुप में डिस्कस होगा, ठीक हो गया। और किसी के पास कोई सवाल आज के लेक्चर के बारे में? चलें अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस वाली हमारी रहती हैं, जो आई फील के जो हमने भी हमारे कंप्लीट नहीं होगा हमारा कोर्स जब तक कि हम ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा इससे पहले मेरे पास एक सवाल आ गया, उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया। ये आप हैं कौन भाई? मेरे पास वेटिंग फॉर नेम लिखा हुआ आ रहा है 2 हज़ार लोगों के साथ, पता नहीं कौन है सर। कोई 5 टेस्ट फॉर यूट्यूब रैंक कौन है भाई? पहले बताएं अपना नाम बताएं। अच्छा, रजा भाई 5 टिप्स में नंबर 1 टिप है आपका आपका वीडियो नेम, वो में आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपके टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपकी हेडिंग में आपका डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, आपके टैग्स में आपका कीवर्ड होना चाहिए। सेकंड चीज़ फिर उसके बाद आती है आपका आपकी आपकी जो है वीडियो पे फेवरेट्स होने चाहिए, लोगों के लाइक्स होने चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए, व्यूज़ होने चाहिए, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। सेकंड है बैकलिंक्स, आप सेकेंडरी बनाएंगे तो भी रैंक कर देंगे यूट्यूब की वीडियो पे। यूट्यूब की वीडियो पे आपका ऑन पेज की वेटेज ज़्यादा है निस्बतन ऑफ पेज के, हालांकि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना ऑन पेज की वेटेज बढ़ रही है, बट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है ऑन पेज की वेटेज, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। कमिंग बैक, और किसी के पास कोई सवाल हो तो वो भी साथ साथ लिख ले तो मैं उसको भी बता दूँ। सर मेरा एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, मैंने आपसे कोई एक नीच की रिसर्च करके सेंड की थी, क्या वो देखिए? अच्छा मैंने जमान भाई आपने मुझे भेजा था, डैट इज़ अ वेरी वेरी टफ कीवर्ड है, वो उस कीवर्ड को मैं मैंने देखा तो मुझे याद पड़ा, उसमें डिफ़िकल्टी भी मीडियम थी, आपको तो अंडर 15 डिफ़िकल्टी में जाना चाहिए, ये तो ज़्यादा मुश्किल कीवर्ड हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। अगर स्टार्टिंग में जाना है तो आप अंडर 15 वाले में जाएं, वरना आप डीमोटिवेटेड होकर कहेंगे आज छठो परामिटी पाओ। इस वजह से आई डू रिकमेंड कि आप उन स्टार्टिंग कीवर्ड ईजी लें, फिर आप इसके ऊपर इन कीवर्ड्स पर जाएं। बाकी आपकी अपनी राय है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, बट आपने मुझे मेरी राय ली तो मैं आपको नहीं दूंगा ये वाला, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब हम आते हैं कि जो चीज़ें हमारी डिस्कस होने वाली रह गई हुई हैं उसमें हमारा टायर 2 और टायर 3 बैकलिंग्स हैं, इसके वाले से हमने डिस्कस करना है। हम अगर पेज 1 या पेज 2 पर स्टक हो गए हैं और हम जो मर्जी करें हमारे वेबसाइट ऊपर नहीं आ रही, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। हमने यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाना है मल्टीपल डिवाइस के लिए, हमारे लैपटॉप पे तो हमारी वेबसाइट सही खुलती है,
मगर अगर बाकी डिवाइसेस में सही नहीं खुलती तो इसका क्या फायदा हुआ? तो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हम कैसरा मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करेंगे, ये हमारा एक इसके बारे में रहता है, और ई कॉमर्स एसईओ, ये हमारे लेक्चर के भी चीज़ें रहती हैं, कोर्स की रहती हैं। ठीक हो गया, हम इनको इंशाल्लाह आगे वाली चीज़ों में डिस्कस करेंगे। बाकी किसी और के पास कोई सवाल है तो वो कर लें, बाकी लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो वो भी प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं मुझसे कि कैसा रहा, कोई ओपिनियन, कोई सजेशन, कोई चीज़ हो, मोस्ट वेलकम। नहीं तो फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो वो कर लें। जजाकल्लाह खैर, आपको अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र लगा, करम है। चलो जजाकल्लाह, ग्लैड टू नो दिस। चलें, ग्लैड टू नो दिस कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। किसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं? ये नाम ही नहीं यहाँ पे आप लोगों के लिखे हुए आ रहे हैं। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ग्लैड टू नो कि अच्छा लगा आप लोगों को।